फाइनली वी आर हेयर फॉर अनदर ब्लॉग. बीच में एक ब्लॉग में डाल नहीं पाया, थोड़ा सा उसमें डेटा का इशू हो गया, मेरा डेटा मिसप्लेस हो गया है. आई डोंट नो वो एयर हो पाएगा या नहीं, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस डेटा को रिकवर कर पाऊँ. सो अब हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज कुंभ नहाने, महाकुंभ जिसे कहा जाता है. इट्स ऑलमोस्ट 9:35 इन द नाइट एंड वी आर सपोज टू लीव विद इन लाइक हाफ एन आवर मैक्स. बाई 10 वील बी लीविंग आर होम. सो प्लान को जैसा है, वील बी ड्राइविंग थ्रू आउट द नाइट बिकॉज वी हैव अ ड्राइवर, तो इशू नहीं है उसके लिए हमारे को ट्रैवल करना. सो वील बी ड्राइविंग थ्रू आउट द नाइट एंड वील बी रीचिंग अर्ली मॉर्निंग एंड आई गिव यू अ टूर ऑफ माई कार जो कि मैंने खुद अपने हाथों से सेट करी है टू मेक दैट एज कम्फर्टेबल एज इट कैन बी, ताकि हम लोग आराम से सोते हुए जाएँ. एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन हु विल बी वेकिंग अप इन द फ्रंट, जो कि ड्राइवर के साथ जगेगा ताकि कोई ट्रैवलिंग में इशूज ना है. तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे भाई को नेट रात तक जगने की आदत है, तो वही होने वाला है. एंड ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ये मेरा फैमिली ट्रिप है फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड इज इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग होने वाली है दैट इट इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, नॉट ओनली द इंडिया, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होली स्पिरिचुअल गेट टुगेदर ऑफ पीपल. लाइक इससे ज्यादा लोग, अगर हिंदी में मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, इससे ज्यादा लोग वर्ल्ड में कहीं भी किसी स्पिरिचुअल मीनिंग के लिए गैदर नहीं होते. सो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग ऑफ पीपल. अब फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी आई वोंट बी एबल टू टेल यू द डिटेल्स ऑफ द ट्रिप बिकॉज एज यू नो मेरे पास हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज होती है. इस बार एक्सक्यूजेज है, जस्ट येस्टरडे आई जस्ट एंडेड अप विद माई पेपर्स, सो मैं कुछ पढ़ नहीं पाया उस बारे में. जितना मुझे वहाँ पे पता चलेगा या जो भी हम वहाँ अगर इनकेस मतलब कुछ होता है हायर करते हैं जो हमें डिस्क्राइब करेगा इस बारे में, जो भी मुझे नॉलेज यहाँ वहाँ से मिलेगी आई डेफिनेटली लाइक लेट यू नो अबाउट दैट. बट लाइक टू बी एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट वो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं नहीं दे पाऊंगा बिकॉज मैं जाने से पहले उसके बारे में पढ़ नहीं पाया. इस बार भी मेरे पेपर कल ही खत्म हुए, सो आई वॉज नॉट एबल टू रीड आउट द फैक्ट्स ऑफ दैट. बट हाँ, ये है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है. यहाँ तक ये कहा जाता है कि वहाँ पर एक मिनी सिटी क्रिएट कर दिया जाता है फॉर द पीपल्स हु आर कमिंग ओवर देयर. इट्स जस्ट गोइंग टू बी एन अमेजिंग ट्रिप. सो लेट मी गिव यू द टूर ऑफ द कार राइट नाउ. सो दिस इज द कार एंड कार को मैंने कैसे लग्जूरियस बनाया है मैं ये दिखाता हूँ आपको. कार बट सी ये 7-सीटर है, यू नो देयर इज अ गैप, बट मैंने इसके नीचे गद्दा लगा करके इसके ऊपर एक और गद्दा लगा करके पूरा सेट कर रखा है. पीछे आपको थोड़ा सा नरेज लग रहा है क्योंकि अभी वो कंबल रखे हुए हैं उड़ने वाले, वो अभी मैं सेटल कर दूंगा एंड आई शो यू गाइज वो कैसा है. सो दिस इज द कार रेडी फॉर यू नो अ लॉन्ग नाइट जर्नी. ये मेरी अम्मा मेरे साथ जा रही है. हेलो अम्मा. After a long drive of around like 8 hours, it is 6:10 in the morning. See the condition of the car. We have taken halt for refueling. This is the back view of the car. See how it looks. This is the side, all in dust and mist. We are moving towards the tent city. You can see this small tents over there. हमें वहीं जाना है. कहाँ कैसे क्या आपको आगे जाके पता चलेगा. सो दिस इज द घाट जहाँ हमने अभी अभी गंगा स्नान ली. मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि बारिश होने लगी, ठंड इतनी लगने लगी कि हम लोगों ने तुरंत जल्दी जल्दी से नहाया. एंड दिस इज द कार. अब सब रेडी हो गए, ऑलमोस्ट एवरी वन इज रेडी टू रॉक एंड रोल. मेरा भैया कपड़ा पहन रहा है, देख सकते हैं आप इसे यहाँ से. हेलो भैया. वी स्टार्टेड आर ट्रिप एग्जैक्टली एट 9:58, दैट इज 10 o'clock, एंड बाई 9:30 वी टुक आर फर्स्ट बाथ. लाइक वी अराइव्ड हेयर अराउंड 8:30. तो हम लोग यहाँ पर नहा धो करके रेडी हो चुके हैं. एज यू कैन सी लाइक बाल थोड़े खराब हैं आई नो, बट ठीक है यार, अब यहाँ पर ड्रायर तो मिलेगा नहीं, यहाँ पर यही है जो है तो यही है. अब आपको मैं यहाँ से व्यू देता हूँ कैसा. लाइक सीरियसली माई मदर केम हेयर अर्लियर, शी वॉज सेइंग कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, इट वॉज ऑल क्लियर. यहाँ पर एक प्लेन ग्राउंड था, बट द अरेंजमेंट्स डन बाय द गवर्नमेंट फॉर द ईज ऑफ द पीपल हु कम हेयर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. यू विल सी, आई जस्ट शो यू गाइज. क्राउड होने के बावजूद मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. दिस इज़ वॉट वी हर्ड फ्रॉम एवरी वन एल्स एंड दिस इज़ वॉट आई एक्सपीरियंसड ओवर हेयर. एंड आज कोई शाही स्नान नहीं है जो कहा जाता है मेजर स्नान, जिसकी वजह से थोड़ा सा और आसान हो गया है. बेसिकली ये संगम नहीं है, ये गंगा तट है. इसके बाद हम लोग संगम जाने की सो प्लान कर रहे हैं अभी. दिस इज़ द पुल जो ये आप देख सकते हैं, ये जो पुल है ये संगम के लिए जाता है. एंड दिस इज़ द घाट, यहाँ पर आप अपने चेंजिंग रूम्स वगैरह. एंड दिस इज़ द चेंजिंग रूम स्पेशली मेड फॉर गर्ल्स. दोज आर द बाथरूम एंड द रेस्ट रूम्स. बैक ओवर देयर द वाइट ब्लॉक्स एज यू कैन सी.
So finally, we are out for around like 2 hours, like 1.5 hour exactly. हम लोग मतलब कुछ नहीं मिला है. जैसे कि आपने सुना, हम लोग निकले थे टेंट्स ढूंढने के लिए जो यहाँ पर मतलब लाइक यू नो रॉयल्स और लग्जरी टेंट्स हैं. तो वी वर थिंकिंग यहाँ है तो उनका भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं. सो हम लोग पिछले 1.5 घंटे से यहाँ भटक रहे हैं हम उन टेंट्स को ढूंढने के लिए. पता चला ये सेक्टर 4 18 ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में ऐसे टेंट्स थे. अब वो सेक्टर 4 क्योंकि पता नहीं कहाँ छूट गया रास्ते में, वी डोंट नो. तो अब हम सेक्टर 18 जा रहे हैं जिसका रास्ता पिछले हम ऑलमोस्ट 45 मिनट से ढूंढ रहे हैं. प्रॉब्लम सेकंड जो हमारे को यहाँ हो रही है वो हमारे फोन में नेटवर्क्स नहीं आ रहे. दिस इज द ब्रिज विच वी हैव टू क्रॉस, जो कि हम पिछले 2 घंटे से कर रहे हैं. हम ये तीसरा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं. अब हम अपने नए टेंट की तरफ जा रहे हैं जो कि पिछले 4 घंटे का रिजल्ट था. सो नाउ वी आर गोइंग टू द सेक्टर 19 एग्जीबिशन मार्केट बिकॉज बार बार बारिश की वजह से हम लोगों का प्लान बनता है कैंसिल हो जाता है. वी वर सपोज टू गो टू अ प्लेस जो कि 60 साल में पहली बार खुली है, जिसमें एक 4000 साल पुराना अराउंड पेड़ है जो कि आज तक कभी भी सूखा नहीं है, वो फॉरएवर ग्रीन ही है. सो हम वहाँ जाने वाले थे लेकिन बारिश की वजह से हमारा वो प्लान अल्टीमेटली कैंसिल हो गया. तो अभी हम लोग एग्जीबिशन घूमने जा रहे हैं. यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा. यू कैन सी द व्यू ओवर हियर, इट्स जस्ट फिनोमिनल. सीरियसली यहाँ आकर के लग रहा है कि हाँ, अ मस्ट 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 विजिट kind of place if you are coming to Kumbh, the Sanskriti Gram. Are you able to listen to that cute voice from the background? Just listen to the cute voice. I really like to see the girl who is speaking right now. This is the whole market portraying UP culture, the Harappan civilization. ऐसे करके अलग अलग sectors बने हुए हैं and this is how you can visit it. किसी के अंदर नहीं जाऊंगा. दिस इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ कृष्णा. महाभारत एपिसोड, महाभारत पीरियड. दिस इज एग्जिट. बुद्धा एंड महावीर. मौर्य पीरियड. द मराठन एम्पायर 1857, the first war of independence. Exit and see this sculpture over there. It is all made up of wood. So finally, I like to tell you one thing. हम लोग पूरे दिन कुछ नहीं घूमे इसलिए व्लॉग में ज़्यादा कुछ आएगा नहीं अभी तक के जर्नी में. आने वाले टाइम पे अगर घूमा तो डेफिनेटली आने वाला है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बारिश की वजह से हमारे बहुत सारे प्लान्स रून हो गए. वन थिंग या वन थिंग आई विच आई लाइक टू यू नो मेंशन इन दिस व्लॉग स्पेशली इज कि हमारे साइड के लाइक स्पेशली मैं अपने साइड के पुलिस वालों का बोलता हूँ, दे आर वेरी रूड एंड मीन वाइल. बट अवर हेयर आई फाउंड इट कि यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं, लाइक यू आस्क देम अबाउट एनीथिंग कि हम कहाँ जाएँ कैसे जाएँ, दे आर सो मच ईज एंड रिलैक्स. लाइक दे टेल यू ईच एंड एवरीथिंग वेरी डिटेलली. आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इधर से उधर जाने में. सीरियसली आई लव दिस थिंग अबाउट यू नो दिस प्लेस की सबसे अच्छा यहाँ पे इधर पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे, जिसकी वजह से हम लोग फाइनली जैसे तैसे घिस पिट करके अपने डेस्टिनेशन पे हर बार पहुँचे. मंजिलों की ना है कोई खबर.
जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया. This is the place where we are staying. I'll now show you the dorms जहाँ पर हम रुके हुए हैं. कैसा है ये सफर. So this is the entry towards our dorm, which has the total capacity of 15 people, and these are our 5 beds. आप इसे देख सकते हैं, ये मेरा भाई है जो अभी कुंभ में खो गया था, जो फेमस है. पिछले 15 मिनट से हमारे मम्मी पापा को ढूंढ रहा था, कहाँ गए मम्मी पापा. ये देखिए, अगर आप खो जाते हैं तो अपनी लोकेशन बताने के लिए इधर नंबर लिखा हुआ है बोर्ड पर, किस पोल के पास है आप नंबर पढ़िए. हर पोल पे नंबर है कुछ ना कुछ. चेहरा दिखाइए सर, आप कैसे खोए बताइए, कुंभ में कैसी फीलिंग आई आपको खोने की. ये देखिए परेशान आदमी. गुड मॉर्निंग एवरीवन. फाइनली हम लोग घाट पर पहुंच चुके हैं. रिमेम्बर वन थिंग, एक किसी बंदे ने करण को बोला कि कहीं भी नहा लो, बिकॉज कहाँ पानी एक जगह नहीं मिलता, पानी 8-10 किलोमीटर के रेंज में मिलता है. सेकंड, जो मेन अट्रैक्शन है जैसे संगम देखना है, दैट इज कि दो जगह दो अलग अलग वेराइटी का पानी साफ मिलता हुआ दिखता है, वो देखने का इम्पोर्टेंस है सबसे ज़्यादा. वो इस टाइम दिख नहीं पा रहा है. रीज़न यहाँ पर फॉग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा का पूरा फॉग से कवर्ड है. तो बोट्स वगैरह सारी बंद है और चाहते हुए भी कोई हम देख नहीं सकते. 8:45 अराउंड 11 जो बोट्स है जाकर के संगम दिखता है वो दिखेगा, बट वी कांट वेट अप टिल देन. सी द मैनेजमेंट, पूरे के पूरे लाइटनिंग पोल्स और हर पोल पे नंबर अगर आप खो जाए कहाँ से मिलेगा. सो इट हैज़ बीन लाइक अराउंड 1.5 आवर हम लोग गाड़ी में बैठ कर घूम रहे हैं, क्योंकि रास्ता ये बंद है वो बंद है, ट्रैफिक आज बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से रास्ता ये बंद है, वो सारे रास्ते बंद हैं. केवल और केवल एक ही इंसान पर ट्रस्ट करो अगर रास्ता पूछा, दैट इज़ यहाँ के पुलिस वाले. बहुत पोलाइट डिसेंट है और सही रास्ता बताएंगे एटलीस्ट. अब हम लोग नहा, नॉइस पोल्यूशन. सो राइट नाउ वी हैव टेकन अ हॉल्ट एट दिस ढाबा टू हैव आवर ब्रेकफास्ट. और हम लोगों ने मंदिर घूमने का प्लान कैंसिल कर दिया, बिकॉज वहाँ VVIP का इशू हो रहा था, तो इस वजह से हम वहाँ नहीं जा रहे. अब हम जा रहे हैं कहीं और, कहाँ पता चल जाएगा. स्टे ट्यून्ड. दर्शन बुकिंग. नाउ वी आर रेडी फॉर आर डिनर. हम काशी विश्वनाथ वाराणसी से वापस आ रहे हैं. वी हैव टेकन अ हॉल्ट, इट्स 9:30 इन द नाइट. वील बी गोइंग towards our home, run through. Like we are expecting to reach by 6 or 7 in the morning. This is the VIP pass we got for ourselves for 300 rupees per person for the entry. Otherwise, जो entry थी उसकी line इतनी घंटी इतनी लंबी थी कि it would have taken 3 to 4 hours to reach the temple and just a minute to get out from there. So this is what we got for 300 per person. So finally we are back. It's 9 o'clock in the morning. We were supposed to reach at around 6 o'clock in the morning, but जो fog था वो इतना ज़्यादा dense था, that हम लोगों की कार बहुत slow चली, and specifically. तो उसके बाद हम लोग, मैंने बताया मेरी दादी को चलने में problem होती है, तो we hired a wheelchair. Wheelchair के साथ कोई भी एक person जाना allowed होता है free में, special दर्शन वाले gate से पीछे से, you know, back door से. Otherwise जो main gate है जहाँ से आप जाएंगे, ट्रैफिक मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था, मेरे को नहीं लगता 3 to 4 hours मिनिमम लगने थे वहाँ तक मंदिर तक पहुँचने. जब आप बनारस में एंटर करेंगे इधर से तो स्ट्रेट जाएंगे, मतलब एक चौराहा आएगा, बहुत सारे आएंगे, बट आपको पता चल जाएगा उसके आगे कार्स की एंट्री दी है. स्ट्रेट जाएंगे तो स्ट्रेट जाने में तो सीधा सीधा वो पैदल वाला रास्ता आ जाएगा, बट वहाँ से अगर आप लेफ्ट ले लेंगे तो वहाँ पर व्हीलचेयर्स एंड VIP दर्शन वाला ऑप्शन मिल जाएगा. व्हीलचेयर्स आपको चौराहे पे ही लाइक लोकल हायर करनी पड़ेंगी. ही आस्क फॉर लाइक 500 bucks. सेकेंड, अंदर फ़ोन वगैरह कुछ भी ले जाना, वॉलेट्स वगैरह कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं कर सकता था, इसीलिए सब कुछ बाहर ही रह गया मेरा. काशी विश्वनाथ मस्ट विजिट प्लेस. क्राउडेड है, थोड़ा सा इशू रहेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का. एंड कुंभ, या दैट टू, वो तो मैनेजमेंट पर्पज से इतना ज़्यादा स्टनिंग है,
कि देखना चाहिए कि कैसे उसे मैनेज किया गया कि क्राउड होने के बावजूद भी आपको पता नहीं चलेगा कि कितना क्राउड है वहाँ. इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपकमिंग व्लॉग्स. सी यू सून गाइस. ट्रैवल मोर टू एक्सप्लोर मोर.